आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज इकोनॉमी की क्लास देखेंगे बच्चों, और हमने जो टॉपिक आज तैयार करना है मुद्रास्फीति को आज हम एंड करेंगे। और होपफुली जो दो क्लासेस मुद्रास्फीति की मैंने आपको दी हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, और रिविजन करते रहना, ठीक है, टच पे बने रहना, क्योंकि जिस समय एग्जाम होगा ना, जब आप वन लाइनर वगैरह पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सार से पढ़ेंगे, घटना चक्र वगैरह से करेंगे, तब देखना इसका कितना फायदा होता है। इन क्लासेस का आपको कॉन्सेप्ट आधारित जो प्रश्न होंगे या किसी भी तरीके के जो प्रश्न होंगे, फैक्ट डायरेक्ट फैक्ट को छोड़ दो, क्योंकि फैक्ट तो आपको डायरेक्ट वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली हल्का सा घुमा फिरा के, उन क्वेश्चंस पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका ये फायदा होता है, ठीक है। आज आपको लग रहा होगा कि यार सर ये पढ़ा रहे, इतना पढ़ा रहे, ये सब चीजें पढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि समस्याओं का सामना करना पड़े, समझ में कम आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके बाद हम लोग जो इकोनॉमी की टॉपिक देखेंगे, हमने गरीबी कवर करनी है, हमने बेरोजगारी कवर करनी है, उसके बाद हमारे एक आध टॉपिक और बचेंगे, तो हमारा लगभग आपके लेवल का इकोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही दूसरी चीज ध्यान रखना, कल और परसों अब 2 दिन उत्तराखंड के गहन अध्ययन की क्लास आएगी, ठीक है। कल मंगल और बुधवार जो है, कल मंगल परसों बुध, 2 दिन हम इकोनॉमी की उत्तराखंड के गहन अध्ययन की क्लासेस को कवर करेंगे। और इसमें जो होगा, जैसे मैंने गढ़वाल का पवार राजवंश तक आपको करा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, उसी सीरीज को आगे लेके चले जाएंगे, ठीक है। गढ़वाल पे पवार राजवंश आया तो वहां हम डायरेक्ट चंद शुरू नहीं करेंगे, पहले हम ये देखेंगे पवार राजवंश आया तो उसमें गोरखाओं का क्या रोल रहा, मतलब गोरखाओं ने किस तरीके से उसको किया, फिर वहां पर ब्रिटिश का क्या रोल रहा, फिर वहां से टिहरी रियासत तक, तो पूरा एक सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम चंद और गोरखा और ब्रिटिश यानी उसको उस सीरीज पे लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। तो आज आप लोग लिखना बच्चों, देखना भारत में बच्चों क्या है ना, खाद्य मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची है। खाद्य मुद्रास्फीति मतलब आप समझ रहे होंगे खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ की महंगाई की जो दर है, उनके रेट बढ़ने की है, वो बहुत ऊंची है। उसके पीछे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की महंगाई दर के निम्नलिखित में से कौन से कारण है या कौन सा नहीं है, तो वहां पर यह क्वेश्चन काम आएगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखो आप, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची क्यों है, यानी भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की ऊंची दर, स्फीति की ऊंची दर, ठीक है। क्यों आखिर इसकी दर क्या है बच्चों, ऊंची है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पहला देखो बच्चों, कई कारण है इसके, क्यों आखिर इसकी दर ऊंची है, इसके पीछे बहुत से फैक्टर काम करते हैं। एक तो बच्चों, कभी जब मजदूरी बढ़ती है, वेजेस बढ़ते हैं, यानी मजदूरी बढ़ती है, यानी आपके पास आपके पॉकेट में पैसा आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसका डिमांड करेंगे, यानी आप चीज़ों की मांग करेंगे। जिस हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो रहा, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। कॉमन सी बात है ना, मैं हमेशा ही ट्रेडमार्क एग्जाम्पल मार्कर का देता हूँ, आपका एक ही मार्कर है, खरीदने वाले 10 हैं, तो मैं इसके ओबियस सी बात है कि इसके रेट बहुत हाई चले जाएंगे, कोई 100 रुपया कहेगा, कोई 150, कोई 200, लेकिन मार्कर 10 है, खरीदने वाला 1 है, तो वो 100 रुपये वाला भी 20 रुपये में दे देगा, अगर ले जाए यार तो ही जो ले जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब मांग बढ़ती है, अगर मांग बढ़ने के आधार पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा, और लोगों की जेब में पैसा आ गया, पॉकेट में पैसा आ गया, तो वो चीजों की डिमांड करते हैं। जब चीजों की डिमांड करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, ऊंची हो जाएंगी, उनकी मुद्रास्फीति की दर क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, यानी महंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके पीछे एक बच्चों लिखो वेज इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे भारत में उसके एक एग्जाम्पल मनरेगा भी है, इसके पीछे का खाद्य मुद्रास्फीति का। मनरेगा ने क्या किया बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का क्रिएशन किया, यानी रोजगार सृजित किया। रोजगार सृजित होने से लोगों को क्या मिला बच्चों, 100 दिनों का जो एम्प्लॉयमेंट मिला, पर डे के हिसाब से उनको कुछ दिहाड़ी मिली। उस पैसे की वजह से उन्होंने क्या किया, खाद्य वस्तुओं की मांग की, और खाद्य वस्तुओं की मांग करने के बाद, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम माना जाता है मनरेगा को, तो मनरेगा के कारण क्या हुआ बच्चों, वेज इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई, ठीक है, यानी मजदूरी बढ़ी। मैंने बताया ना वेज इन्फ्लेशन क्या होता है, वेज इन्फ्लेशन होता है बच्चों जब मजदूरी बढ़ने के कारण, इसका मतलब जब मजदूरी बढ़ने के कारण मांग में वृद्धि होने से ये मजदूरी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या, देखो वेजेस इन्फ्लेशन में मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ने से यानी औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, मांग इन्होंने क्या की, बढ़ाई, मांग बढ़ाने से क्या कही बच्चों, मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, ठीक है। तो मनरेगा के कारण क्या हुआ बच्चों, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को कहीं ना कहीं अपने आप में महंगा बात है। तो मजदूरों की मांग बढ़ने से प्राइस बढ़े, और प्राइस के बढ़ने से अनाज, क्योंकि अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मनरेगा से कर रहा है वो हमेशा हर दिन बहुत हाईफाई स्टैंडर्ड का खाना खाएगा। नॉर्मल सी बात देखिए, एक ग्रामीण इलाके में अगर आप देखेंगे तो क्या लेता है, जैसे तेल ले लेगा, खाद्य पदार्थ की जगह जैसे गेहूं, चावल, ये चीजें, ठीक है, मोटा अनाज जो भी लेता है यही चीज तो लेता है ना ग्रामीण स्तर पे। अगर आप जो मनरेगा पे काम कर रहे हो इन्हीं टाइप की चीजें लेगा, यानी खाद्य पदार्थ। अब ये तो है नहीं कि रोज 500 रुपए कमा के जो है हाई फाई टाइप की चीजें रोज 5 स्टार होटल में जाके खा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ठीक है, इन चीजों से क्या हुआ, बस तो मनरेगा वगैरह के जो प्रोग्राम चले थे रोजगार क्रिएशन वाले, उससे क्या हुई, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़ी। दूसरा देख लो बच्चों, वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट, सेकंड लिखो वायदा बाजार, वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, वायदा बाजार में क्या होगा, जैसे आपने सोचा आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में यार इस चीज की कीमत बढ़ सकती है। जैसे आपने देखा नहीं कभी प्याज वगैरह की कीमत बहुत हाई चली जाती है कम टमाटर की। जब अनुमान लगाया जाता है यार मौसम इस बार मानसून बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, प्याज की फसल खराब हो सकती है, इसकी खराब हो सकती है, तो फ्यूचर में जो एक प्रोड्यूसर है या जो बीच में दलाली वगैरह करते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में इस चीज की कीमतें बढ़ सकती है। तो कीमतें बढ़ सकने का अगर वो अनुमान लगाएगी तो मे बी ये हो सकता है बच्चों कि वो क्या कर सकते हैं, उस चीज का स्टोरेज कर देंगे, यानी उन चीजों को स्टोर करना शुरू कर दे जो नॉर्मली मार्केट में आना चाहिए उस चीज का इसको स्टोर करना शुरू कर दे। अगर वो स्टोर वगैरह करने लगे तो हो सकता है कि उस चीज के जो कमी है मार्केट में हो जाएगी। जैसे प्याज ही स्टोर कर दिया, जो नॉर्मल जिस तरीके से प्याज आना चाहिए था वो नहीं आया और मार्केट में प्याज आ गया, ठीक है, बहुत मतलब उस मात्रा में, क्या जिस मात्रा में आना चाहिए था वैसे नहीं आया, वो अंदर ही रह गया, स्टोर रह गया। तो वो उस चक्कर में क्या होगा, उसका शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में और एक फ्यूचर मार्केट यानी वायदा बाजार की जनरेट होने की वजह से पहले ही लोग भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, बहुत समय चीजों को स्टोर करने लग जाते हैं, उसकी शॉर्टेज हो जाती है और शॉर्टेज होने से क्या हो जाता है बच्चों, मार्केट में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो वायदा बाजार भी कहीं ना कहीं खाद्य वस्तु की बाजार में मतलब वो है मुद्रास्फीति की उच्च दर का कारण। तीसरा बच्चों, एमएसपी की दर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की दर, यानी इसकी अगर दरें हाई हैं, की दरें अगर हाई हैं, अगर ब्रैकेट में लिखो इफ, मतलब अगर ऊंची है, ठीक है, ऊंची दर है तो ऊंची है, मतलब एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने पढ़ा होगा सरकार क्या करती है बच्चों, सरकार के द्वारा किसानों को या उत्पादकों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि आप अपने उत्पादन कीजिए, उत्पादन में लगे रहिए, अगर आपका कोई जो आपने उत्पादित किया है वो मार्केट में नहीं भी बिका तो सरकार न्यूनतम इतने कीमत पर ये खरीदेगी। अब जैसे आप लोग है ना, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कहा कि यार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, बेफिक्र होकर कीजिए। बाई चांस आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, आपको गारंटी दे दी तो आप न्यूनतम 20,000 रुपए की नौकरी आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं ना, आपको पता है कि यार मेरे पास एक कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है। तो सरकार क्या करती है बच्चों, जैसे किसान खेती करता है, उत्पादन करता है, उसको पता है कि यार हो सकता है कि अनिश्चितता है, मेरा सामान बिके ना बिके, या तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, उसको तो पता है ना, उसने जो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर उसने प्रोडक्शन किया है अगर नहीं बिका तो वो तो लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, सरकार उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तेरा नहीं भी बिकेगा तो एक ऐसी कीमत, इतना कीमत पर हम खरीदेंगे। उसी को बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरें ऊंची हो जाती है बच्चों, हायर रेट हो जाते हैं, तो जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसके पास भी पैसा आने लग जाता है और उसकी ऊंची दरों की वजह से कहीं ना कहीं उसकी मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से खाद्य पदार्थों की जो अपने आप में मुद्रास्फीति की दर है ऊंची जा सकती है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, भारत के लोगों के उपभोग में प्रोटीन संबंधी वस्तुओं की ओर झुकाव का बढ़ना, ठीक है। वर्तमान समय में हाल फिलहाल के दिनों में लिखो भारत के लोगों में, अगला लिखो भारत के लोगों में, भारत के लोगों में खाद्य वस्तुओं में प्रोटीन की ओर झुकाव, खाद्य वस्तुओं की में प्रोटीन की ओर झुकाव, ठीक है, प्रोटीन की ओर झुकाव। देखो हाल फिलहाल के दिनों में ये देखा गया है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, लोग जो है प्रोटीन से संबंधित वस्तु जैसे अंडा है, मछली है, मांस है, चिकन है, दाल है, दालें हैं, ठीक है, पनीर है या मशरूम है, यानी एक ऐसा सोर्स अपने खाने में ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है तो क्योंकि भारत में प्रोटीन जो उत्पादन होता है इतना बृहत मात्रा में नहीं होता है जितना कि नॉर्मल खाद्य पदार्थों में, जैसे अनाज है, जैसे गेहूं है, चावल है, इसकी ओर कम झुकाव अब धीरे धीरे हो रहा है। लोग प्रोटीन से संबंधित वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, ये तो एक बकेट है ना बच्चों, खाद्य वस्तु की बकेट है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें नॉर्मल मोटा अनाज भी है, इसमें गेहूं भी है, इसमें चावल भी है, इसमें दालें भी है, इसमें हरी सब्जियां भी है, इसमें सब कुछ है। अब हम तो पूरा एक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को देख के तो बोलेंगे नहीं मुद्रास्फीति होगी, हमें क्या करना है इस सब का एवरेज देखना है, इसके एवरेज को देखना है कि जैसे इस साल अगर 100 रुपए के हिसाब से चल रहा अगले साल 110 हो गया तो 110 होने का मतलब कितने की इंक्रीजमेंट हुई 10 की, यानी 10% बढ़ गया। तो हम तो ये देखेंगे खाद्य वस्तु की महंगाई 10% में क्या होगी वृद्धि होगी। अब वो 10% जरूरी नहीं है कि गेहूं की वजह से हो, हम तो इस सब का एवरेज देखना है, इसमें हो सकता है अंडे की डिमांड बढ़ गई हो, दालों की डिमांड बढ़ गई हो, तो और लेकिन पिसेगा कौन, हर कोई पिसेगा। तो कहीं ना कहीं भारत में लोगों के खाद्य वस्तुओं में जो है प्रोटीन की ओर झुकाव भी कहीं ना कहीं अपने आप में मुद्रास्फीति यानी खाद्य मुद्रास्फीति की ओर क्या करता है अपने आप में इसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगला लिखो अनिश्चित मानसून। भारत में अनिश्चित मानसून, भारत में अनिश्चित मानसून। अनिश्चित मानसून मतलब कभी कृषि का तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कृषि प्रोडक्ट का, और कभी कभी क्या होता है बच्चों मानसून जो है कभी ज्यादा हो जाता है फसल बर्बाद करता है, कभी कम होता है तो फसल होने ही नहीं देता। तो इसकी वजह से क्या होता है खाद्य वस्तु की कीमतें ऊपर नीचे रोटेट होती रहती है, यानी अपने आप में महंगी हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिखो बच्चों भारत में खाद्य वस्तु की आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य पदार्थों की बर्बादी। ठीक है, लिखो खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला भी बताता हूं। जब सप्लाई चेन होती है ना खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सप्लाई चेन, ठीक है आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य वस्तुओं की बर्बादी, खाद्य वस्तुओं की बर्बादी ये भी एक कारण है बच्चों की वस्तुओं की बर्बादी। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों कोल्ड स्टोरेज वगैरह इतने डेवलप नहीं किए हैं, जब किसान खेती करके या अपना जो खाद्य वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बहुत ज्यादा भी कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन का डेवलप नहीं हुआ है बच्चों। तो कई वस्तुएं क्या हो जाती है बर्बाद हो जाती है, कुछ सड़ जाती है, कुछ खराब हो जाती है, उसके उससे क्या हो जाता है शॉर्टेज हो जाता है। तो खाद्य वस्तुओं की बर्बादी भी इसके पीछे एक कारण है। और लास्ट देखो बच्चों ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, यानी वैश्विक स्तर पर भी हम क्योंकि अपने आप में जुड़े हुए हैं वैश्विक स्तर पे खाद्य वस्तुओं को हम मंगाते हैं, तो लास्ट लिखो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन यानी वैश्विक खाद्य महंगाई, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये लिखना ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन यानी वैश्विक खाद्य महंगाई। तो भारत में अगर पूछता है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति के क्या कारण है, इसके अलावा कोई विकल्प आता है तो ऑप्शन से लगाना कि यार हाँ इससे खाद्य वस्तुएं खराब हो रही तो महंगी हो सकती है, मानसून है तो इससे अनिश्चितता है तो कभी ज्यादा होगा कभी कम, इससे महंगाई हो सकती है, तो ऐसा दिमाग लगाना। ठीक है, एक मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट आधारित जो इस पे दृष्टिकोण डेवलप हो सकता है आप लोगों का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला लिखो भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति लक्ष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन टारगेटिंग का लक्ष्य क्या है, कितना इसको मुद्रास्फीति को रखा जाता है, कितना इसको प्रयास किया जाता है, मैं आपको सब बताऊंगा। आप ये मत सुनना कि जीरो मुद्रास्फीति हो जाएगी, अगर मैंने आपको बताया हुआ है मुद्रास्फीति और समृद्धि में सीधा संबंध होता है। अगर आप मुद्रास्फीति को जीरो करने की सोचोगे आपके देश की ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी रोजगार खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म होगा बेरोजगारी जनरेट होगी, क्योंकि इनके बीच उल्टा संबंध होता है। मैंने फिलिप वक्र में क्या बताया था आपको, इन्फ्लेशन ध्यान है ना इसको, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के सीधे यानी समृद्धि से सीधा संबंधित है, और इन्फ्लेशन जो है बच्चों 1 अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से क्या है संबंधित है, ये मैंने आपको बताया था। क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये मत सोचना कि जो महंगाई है उसको जीरो कर दिया जाए, 0% महंगाई बढ़ेगी ना, इट्स इम्पॉसिबल बच्चों। अर्थव्यवस्था आपकी धड़ाम से क्या हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब मैं ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं होगा सारी, इसलिए कहा जाता है ना कोई भी जैसे अखबार में लिख दिया इतना बड़ा ये बड़ा, सरकार अपनी ओर से राहत कार्य कर सकती है, सरकार कई जगह सब्सिडीज वगैरह देके कई सेक्टर्स पर सरकार क्या कर सकती है चीजों को मतलब मॉनिटर करने की कोशिश करती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना इन्फ्लेशन को टोटली कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, मॉनसून भी इस पे डिपेंड करता है। वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी हम हैं, आज वैश्विक स्तर पे हमारा जुड़ाव है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, वहां पे क्या घटनाक्रम हो रहा है इस चीज से हम प्रभावित होता है। अब देखो कच्चा तेल है, अब कच्चा तेल हमारे वहां होता ही नहीं तो हम कहां से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, यानी जो ओपेक से संबंधित जो अपने आप कंट्रीज यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ओपेक वगैरह, इन लोगों से हमने तेल का एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, तेल कच्चा तेल हम लाते हैं। अब वही मना कर दें तेल देने के लिए फिर क्या करोगे, महंगाई तो होगी होगी ना। तो इसलिए जो रणनीति है बच्चों वैश्विक स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से देखनी पड़ती है। तो लिखो भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति क्या होती है, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग लिखो, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति। ठीक है, टारगेटिंग की रणनीति यानी अपने आप में बच्चों मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं इसको, ठीक है। मतलब इसमें जो भारत में रणनीति है, देखिए हमें क्या है बच्चों, इस बहुत मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो मुद्रास्फीति की किसी एक दर को मतलब क्या दर होनी चाहिए ये हमेशा रखा गया, मतलब आखिर मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए, यानी इस साल जो है उससे अगले साल कितनी बढ़नी चाहिए, उससे अगले, मतलब ये बार बार। अब बताओ मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई तो ये भी अच्छी बात थोड़ी ना, अब ये थोड़ी ना कि 100% मुद्रास्फीति बढ़ गई आपके यहाँ 100% समृद्धि हो रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और चीज बैलेंस रही तब उनके बीच डायरेक्ट संबंध होता है। पता लगा वहां 100% मुद्रास्फीति होगी, इसका मतलब थोड़ा ना कि 100% समृद्धि होगी, ऐसा तो बढ़िया है, हम भी कहेंगे ठीक है भाई 100% कर दो मुद्रास्फीति, सबको रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अन्य चीजें अगर सब कुछ सही है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो रणनीति है बच्चों, ठीक है, भारत में आईटी रणनीति लिख दो इसको सही तरीके से, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति, आईटी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको अब क्या करना है ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों हमेशा इस बात की चर्चा रही है कि आखिर मुद्रास्फीति की दर होनी कितनी चाहिए भारत में या किसी भी, ठीक है, तो भारत में इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि मुद्रास्फीति करते रहें कि किसी एक दर को ही हम क्या करें बच्चों लक्ष्य बनाएं कि आखिर मुद्रास्फीति की दर क्या होनी चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत में जो है गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है और अनेक प्रकार की विशाल मतलब अलग प्रकार की क्या है अलग अलग सेक्टर हैं, उसमें भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ देखी जाती है। तो इस संदर्भ में क्या किया था बच्चों, आरबीआई ने एक उर्जित पटेल समिति का गठन किया, ठीक है। देखो भारत में क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है मुद्रास्फीति की दर क्या हो, मुद्रास्फीति की दर क्या हो, ये सीधे सीधा मतलब, ठीक है, दर क्या हो, क्योंकि ये भी देखना है कि गरीबी भी है भारत में, गरीबी भी है। अब ऐसा नहीं कि 100% मुद्रास्फीति कर दे, लोग क्या खाएंगे, बेरोजगारी है, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य चीजें, अन्य परिस्थितियां, इन सब को देखते हुए आखिर मुद्रास्फीति की दर क्या होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया बच्चों, आरबीआई ने एक उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया, आरबीआई द्वारा इस हेतु, पूरा लिखना, आरबीआई द्वारा इस हेतु उर्जित पटेल समिति का गठन, ठीक है, यानी उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया कि भारत में जो अपने आप में मुद्रास्फीति है उसकी दर कितनी होनी चाहिए, इसकी गणना के लिए उर्जित पटेल समिति का गठन किया। और इस समिति द्वारा क्या कहा गया बच्चों, भारत में जो मुद्रास्फीति है 4% यानी ±2% की मुद्रास्फीति की दर को लक्ष्य बनाया जा सकता है। इसने क्या कहा, इस समिति ने क्या कहा, भारत में कितना रखा जाना चाहिए बच्चों, देखो भारत में जो मुद्रास्फीति है बच्चों उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, देखो भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना होना चाहिए, कहा इसने 4% और ब्रैकेट में इसने कहा ±2%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उर्जित पटेल समिति ने कहा कि आप ठीक है मुद्रास्फीति, आपके देश में गरीबी, बेरोजगारी, सब चीजें अन्य परिस्थितियां, तो एक काम करो मुद्रास्फीति का एक ऐसा लक्ष्य रख दो कि इससे ऊपर न जाए, यानी 4% से 2% ऊपर चल सकता है, 5 चल सकता है, 6 चल सकता है, 4% से 2 नीचे चल सकता है, 4 भी चल सकता है, 3 भी चल सकता है, 2, यानी 2% से नीचे भी नहीं आनी चाहिए मुद्रास्फीति, फिर तो आपके देश में इसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। 6% से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। इस समिति ने कहा कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए 4%, 4 ±2%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उर्जित पटेल समिति मुद्रास्फीति के दर के उसके लिए बनाई गई थी कि इसका गठन इसलिए किया जाए कि हमारे देश में आखिर लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये लक्ष्य इसने बनाया जाए, ठीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति अथवा इसके विचलन की जिम्मेदारी, मतलब इस लक्ष्य को, इस टारगेट को प्राप्त करना और या इससे ऊपर नीचे होता है, इसकी जिम्मेदारी कमेटी की होगी जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। देखो इस लक्ष्य की लक्ष्य प्राप्ति व ऑब्लिक विचलन की जिम्मेदारी किसकी ऐसी जिम्मेदारी होगी कि इससे ऊपर नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी से संबंधित एक कमेटी होगी, उसका नाम होगा बच्चों क्या, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। इसको लिखो किसकी जिम्मेदारी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, यानी मौद्रिक नीति समिति, यानी एमपीसी का मतलब है मौद्रिक नीति समिति, इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये क्या करे, इस लक्ष्य को प्राप्ति करे या इसके जो मतलब विचलन है इससे ऊपर नीचे अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, उसका ये काम होगा। तो ये उर्जित पटेल समिति ने कहा मतलब, ठीक है। अब देखना किसी भी कंट्री में केंद्रीय बैंक या उससे जुड़ी हुई कोई संस्था, क्योंकि एमपीसी कौन करता है बच्चों, मौद्रिक नीति समिति तो आरबीआई करती है, मौद्रिक नीति समिति आरबीआई से संबंधित ना। अब देखो इसने कहा कि इतना होना चाहिए प्लस 4% ±2, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बोला, मौद्रिक नीति समिति, यानी मौद्रिक नीति संबंधी समिति किससे जुड़ी है, आरबीआई से। आरबीआई क्या है आपका, केंद्रीय बैंक है ना, केंद्रीय बैंक। अब देखो अगर हम लोगों ने केंद्रीय बैंक को अगर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए दे दिया, हमने क्या कहा, देखो हमने क्या कहा, उर्जित पटेल समिति ने कहा चल ठीक है भाई 4% ±2%, ठीक है, और कहा इसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी एमपीसी की, यानी किसकी, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति किससे संबंधित है बोला, केंद्रीय बैंक आरबीआई। अब आरबीआई को तुमने कहा कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करे, इस लक्ष्य को प्राप्त कर। अब आरबीआई किस आधार पर मुद्रास्फीति कंट्रोल कर सकता है, क्या कर सकता है वो बताओ। वो एक ही चीज तो करेगा, ब्याज दरों में परिवर्तन, यही तो करेगा। मुद्रा मार्केट में कितनी ब्याज दर कम ज्यादा करेगा। अब ब्याज दरों में परिवर्तन से बच्चों आपके उद्योगों को नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपने कहा महंगाई बहुत बढ़ी है, पैसा सक करना है मार्केट से, वापस लेना है, तो आप ब्याज दर ऊंची कर दोगे। ब्याज दर ऊंची कर दोगे, आपने मार्केट से पैसा तो वापस ले लिया, लेकिन आपके जो उद्योग हैं जो आपके ब्याज दरों के आधार पे, इस आधार पे प्रभावित हो रहे हैं कि उनको लोन जो है महंगा पड़ रहा है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो आरबीआई यानी मौद्रिक नीति समिति, अब ध्यान देखना कि इसने अगर मौद्रिक नीति को कंट्रोल किया, इसके बाद दो ही ऑप्शन है, एक तो ब्याज दर को प्रभावित करे और एक मुद्रा की मात्रा को क्या करे, निर्धारित, यानी इसके आप नीचे लिखना है, ठीक है, ये दो तरीके से कर सकता है। ये क्या करेगा, ऊपर वाला मिटा दो, केंद्रीय बैंक यहां लिख देता हूं, ठीक है, केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक, ये दो तरीके से, इसके पास दो तरीके हैं बच्चों, दो तरीके। ये तो या तो ये क्या करेगा, ब्याज दरों को करेगा, ब्याज दर से क्या करेगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल करेगा। दूसरा, ब्याज दर अगर नहीं करता है तो मुद्रा की मात्रा तय करेगा मार्केट में, मुद्रा की मात्रा। ये दो ही तरीके हैं, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। अब ब्याज दर और मुद्रा की मात्रा जो है, यानी मुद्रा की आपूर्ति लिख लो आप लोग, मात्रा तो क्या करते हो, आपूर्ति, सप्लाई कम कर देगा। वहां इसको लगा महंगाई है तो ये मुद्रा की आपूर्ति क्या कर देगा, मार्केट में कम करवा देगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई हो। अब इन दो तरीके से ये करेगा, तो इससे क्या नुकसान है, देखो इससे सबसे बड़ा नुकसान है बच्चों कि भारत में ब्याज दर और मुद्रा की मात्राओं में परिवर्तन होते रहेंगे। महंगाई के हिसाब से आपने हर बार ब्याज दर चेंज कर दी, आपने मुद्रा की मात्रा को क्या कर दिया, मात्रा को चेंज कर होते रह गए, और इसीलिए जो है बच्चों ये नीति बहुत अच्छी नहीं मानी गई, और भारत में इस नीति की कामयाबी की सीमाएं थी। मतलब भारत में इस नीति से क्या होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, इसकी बहुत बड़ी क्या है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि मुद्रा की मात्रा को अगर आपने नियंत्रित करके या ब्याज दरों को कंट्रोल करके अगर आपने मुद्रास्फीति को रोकने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपके देश में ब्याज दर चेंज होते रहेंगे, मुद्रा की मात्रा चेंज होती रहेगी, और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो सकता है बच्चों, उद्योग धंधों को हो सकता है, ठीक है, इस चीज का नुकसान। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, देखो भारत समृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना चाहता है, लेकिन समृद्धि के साथ मुद्रा रणनीति का डर भी बना है, यानी आप ग्रोथ तो पाना चाहते हो बहुत उच्च दर, लेकिन आपको डर यह है कि कहीं इसके साथ महंगाई ना आ जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, भारत की मुद्रास्फीति हमेशा देखना कॉस्ट पुश है, जिसके कारण आधारभूत संरचनाओं, सामान का सड़ना गलना, इसके कारण आपके वहां महंगाई हो रही है, और डिमांड पुल जो है, जो हम लोग मौद्रिक नीति की जो है बच्चों डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही क्या कर सकता है, सफलतापूर्ण नीति। हमारे देश में कॉस्ट पुश प्रकार की है, मैंने आपको बताया था, और मौद्रिक जो सत्ताएं हैं जैसे आरबीआई वगैरह, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बताता हूँ। देखो हमने ये चीजें की, आरबीआई से कहा कि ये सब कर लो, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, हमारे देश में सबसे पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मैंने बताया था ना, कॉस्ट बढ़ रही है तब जाके महंगाई बढ़ रही है, और आरबीआई तो सिर्फ डिमांड वाला करता ना, आरबीआई तो मान के आधार पे कंट्रोल कर लेगा ब्याज दरों को, लेकिन हमारे वहां है क्या, कॉस्ट पुश, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा बच्चों, हम लोग चाहते हैं समृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करना, अब समृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करके तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आरबीआई से लोन वगैरह लेंगे, मतलब बैंक से, बैंक की अगर ऊंची दर होंगी तो लोन कहां से आएगा, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, प्रॉब्लम है, इसलिए इतना आसान नहीं इस रणनीति को फॉलो करना, ठीक है। अब देखना बच्चों, हमारा जो ये है, ये मैंने आपको बता दिया उर्जित पटेल वाले, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखो, इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। मुद्रास्फीति से कुछ लोगों को फायदा होता है बच्चों, मुद्रास्फीति का फायदा किस, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, मुद्रास्फीति का फायदा किस किस को होगा, ये ध्यान में रखना आपको। एक तो होता है बच्चों व्यापारी और उद्योगपति को, ए लिखो, कोई भी व्यापारी है प्लस उद्योगपति है, इसको फायदा होगा मुद्रास्फीति का। लेकिन ये सिर्फ नियोक्ता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? नियोक्ता होनी चाहिए, यानी अपने आप में जो ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिसको नियोक्ता के रूप में, नियोक्ता के रूप में, ठीक है। इनको फायदा होगा मुद्रास्फीति का, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इनको तो सैलरी उतनी देनी। जैसे अगर किसी की 25,000 सैलरी, मुद्रास्फीति के कारण जो है वो 25,000 की वैल्यू 50,000 के इक्वल होगी, तो इसको तो 25 ही देना पड़ रहा है, इसको तो फायदा हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको नियोक्ता के रूप में इसलिए उनको फायदा होता है। दूसरा बच्चों, देनदार अथवा ऋणकर्ता को भी फायदा होता है। देनदार अथवा ऋणकर्ता यानी जो ऋण जिसने आपको पैसा लौटाना है उसको फायदा हो जाएगा। तो इसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों डिबेटर्स, ठीक है, डिबेटर्स को क्या होता है? फायदा होता है। तीसरा लिखो बच्चों बॉन्ड इश्यूअर, यानी जो बॉन्ड निकालता है, ठीक है, बॉन्ड इश्यू करता है, जो बॉन्ड अपने आप में निर्गत करने वाला इश्यूअर, यानी जो बॉन्ड इश्यू करता है ना उसको भी फायदा होता है बच्चों, बॉन्ड निर्गत। अब देखो देनदार या ऋणकर्ता, जैसे आपने किसी को 1,000 रुपए दिए, आप 1,000 रुपए जिसको दिए ना वो हो गया ऋणकर्ता, यानी उसने रिटर्न करने आपको। महंगाई बढ़ी, 2,000 रुपए के बराबर 1,000 हो गए, तो वो आज से 10 साल बाद लौटाएगा, तो आपको 1,000 का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसको हमेशा देनदार और ऋणकर्ता को फायदा होता है, बॉन्ड इश्यूअर को भी क्या होता है? फायदा होता है। और नुकसान किसको होता है बच्चों? स्थिर आय वाले लोग। दूसरा लिखो मुद्रास्फीति से नुकसान, एक तो जिसकी आय स्थिर है, मतलब पहला लिखो ए, स्थिर आय वाले लोग, स्थिर आय वाले, ठीक है, जिसकी इनकम फिक्स है उसको तो नुकसान होगा ही होगा महंगाई का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों लिखो लेनदार को, जो लेने वाला है। ये देनदार मतलब जिसने देने थे, लेनदार मतलब जैसे आपने अपने दोस्तों को 1,000 रुपए दिए, आप लेनदार हो गए, ठीक है, आपने वापस लेने हैं तो आप लेनदार हो गए, तो आपको नुकसान होगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो 1,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। इसके अलावा बच्चों बचतकर्ता को, ठीक है, जो बचत सेविंग वाले हैं, आपने सेव कर रखा है आज 1,000 रुपया और 1,000 रुपया आज से 10 साल बाद देखोगे महंगाई बढ़ेगी तो 1,000 रुपये का क्या फायदा आपको? बचतकर्ता। और इसके अलावा यहां बॉन्ड इश्यूअर था ना, और लास्ट आप लोग लिखो बॉन्ड होल्डर, जिसने बॉन्ड अपने आप में होल्ड किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होते हैं ना, बताऊंगा मैं अगली क्लास में, बॉन्ड होल्डर। इसके अलावा आप एक काम करना, नेट से चेक कर लेना मुद्रास्फीति का फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। 4, 5, 7, 8 लोगों के यहाँ लिख लेना नाम, 5-6 के यहाँ लिख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।